आज हम बात करेंगे पोलर आरजेड के बारे में, पोलर रिटर्न टू जीरो। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर एम्पलीट्यूड जो होता है वो होता है ए बाय टू प्लस और ए बाय टू माइनस नीचे। विड्थ होती है इसकी टीबी। इसमें क्या होता है, रिटर्न टू जीरो, पोलर रिटर्न टू जीरो में जब भी वन अपीयर होगा हाफ ऑफ द विड्थ टीबी बाय टू तक, तो इसका एम्पलीट्यूड ए बाय टू रहता है और जैसे ही फिर रिटर्न कर जाएगा ये जीरो पे और उसके बाद जीरो पे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही जीरो अपीयर हुआ तो इसका नेगेटिव ए बाय टू जाता है एम्पलीट्यूड। कितने टाइम के लिए, हाफ ऑफ द विड्थ, मतलब ये जो टाइम ये यहां से यहां तक टीबी है और यहां से यहां तक टीबी बाय टू, मतलब यहां से यहां तक के लिए जब जैसे जीरो अपीयर होगा तो ये नेगेटिव चला जाएगा ए बाय टू। लेकिन जहां पे हमने बात करी थी यूनिपोलर की, तो वहां पे जीरो पे कुछ नहीं होता था, इसका एम्पलीट्यूड जीरो रहता था। लेकिन पोलर में क्या होता है, जैसे ही जीरो अपीयर होगा इसका एम्पलीट्यूड माइनस ए बाय टू चला जाएगा। कितने टाइम के लिए, टीबी बाय टू टाइम के लिए। फिर वन अपीयर हुआ जीरो पे, फिर ये आधे टाइम के लिए जीरो ही इसका एम्पलीट्यूड रहता है। वन अपीयर होगा फिर एम्पलीट्यूड जाएगा इसका ए बाय टू तक। कितने टाइम के लिए, टीबी बाय टू टाइम के लिए, फिर जीरो पे। फिर वन अपीयर हुआ फिर जाएगा इसका एम्पलीट्यूड हाफ ऑफ द टीबी बाय टू, हाफ टाइम के लिए टीबी के लिए, उसके बाद फिर जीरो पे। जीरो अपीयर हुआ फिर हाफ ऑफ द टाइम के लिए जाएगा माइनस टीबी बाय टू इसका एम्पलीट्यूड, फिर जीरो पे ही रहेगा। फिर वन अपीयर हुआ फिर हाफ ऑफ द टाइम के लिए इसका प्लस ए बाय टू जाएगा इसका एम्पलीट्यूड, फिर जीरो पे। फिर जीरो अपीयर हुआ हाफ ऑफ द टाइम माइनस ए बाय टू जाएगा इसका एम्पलीट्यूड और फिर जीरो पे। तो ऐसा होता है हमारा पोलर आरजेड। अब हम इसके इक्वेशन के बारे में देखते हैं कि इसके इक्वेशन को हम लिखेंगे कैसे। जब भी हमारे पास वन अपीयर होता है तो एक्स टी हमारा होगा, क्या होगा हमारा, ए बाय टू। कहां से कहां तक, जीरो से लेके टीबी बाय टू तक। और उसके बाद जीरो कहां से कहां तक, टीबी बाय टू से टीबी तक। इसका मतलब है जब हमारा एम्पलीट्यूड ए बाय टू होता है कब, जीरो से लेके टीबी बाय टू तक, यहां तक, और उसके बाद टीबी बाय टू से टीबी तक हमारा एम्पलीट्यूड क्या रहता है, जीरो। वन एपियर होता है तब, और जब जीरो एपियर हो तो क्या होगा, जीरो एपियर होगा तो इसी में मैं बता देता हूं। जब जीरो एपियर होगा तो जीरो एपियर हुआ तो माइनस ए बाय टू हो जाएगा। ये कहां से कहां तक, जीरो से लेके टीबी बाय टू तक, जीरो से लेके टीबी बाय टू तक माइनस एम्पलीट्यूड रहता है इसका ए बाय टू, और फिर हाफ ऑफ द टाइम के लिए इसका एम्पलीट्यूड रहता है जीरो। तो ये हो गया आपका जीरो और वन के लिए। अब हम बात करेंगे पोलर एनआरजेड के बारे में। तो अब हम बात करेंगे पोलर एनआरजेड के बारे में। पोलर नॉन रिटर्न टू जीरो, इसका मतलब है ये जीरो पे रिटर्न नहीं होगा। जब भी वन अपीयर होगा ये ए बाय टू फुल विड्थ मूव करेगा, मतलब फुल विड्थ यूटिलाइजेशन। तो वन आया फुल विड्थ टीबी तक, फिर ये यहां जीरो अपीयर हुआ माइनस टीबी, देखो माइनस ए बाय टू तक जाएगा, ये माइनस ए बाय टू इसका एम्पलीट्यूड रहेगा जीरो अपीयर पे। कहां तक, फुल विड्थ टीबी, फुल विड्थ यूटिलाइज होगा इसमें। जब भी वन अपीयर होगा फिर टीबी तक, टीबी फुल विड्थ इसका एम्पलीट्यूड ए बाय टू। वन अपीयर हुआ फिर इसका एम्पलीट्यूड ए बाय टू, कहां से कहां तक, फुल विड्थ यूटिलाइजेशन होता है इसमें, टीबी तक। जीरो अपीयर हुआ नेगेटिव ए बाय टू फुल विड्थ। वन अपीयर हुआ फुल विड्थ, जीरो अपीयर हुआ, वन अपीयर हुआ फुल विड्थ। तो इसका ग्राफ, इसका जो बाइनरी जो डिजिटल सिग्नल आता है वो इस टाइप में आता है पोलर एनआरजेड का। जब भी वन अपीयर होगा तो ये फुल विड्थ लेगा, फुल विड्थ कवर करता है
एम्पलीट्यूड इसकी रहती है ए बाय टू जब भी वन एपियर होगा, और जब भी जीरो एपियर होता है माइनस ए बाय टू इसका एम्पलीट्यूड रहता है कितने टाइम के लिए, टी बी टाइम के लिए, पूरे इस विड्थ के लिए, इस टाइम के लिए, इस टाइम पीरियड में, इस टाइम पे टी बी इसे विड्थ कहते हैं, फुल विड्थ यूटिलाइजेशन होता है पोलर एनआरजेड में। तो अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं, जब भी वन एपियर होता है तो हमारा एक्स टी जो होगा वो क्या होगा, प्लस का ए बाय टू, कहां से कहां तक, जीरो से टी टी बी तक, और जब भी जीरो एपियर होगा तो क्या होगा, इसी में मैं कर देता हूं, जब भी जीरो एपियर होगा तो माइनस ए बाय टू हो जाएगा, जब भी जीरो एपियर होगा तो माइनस ए बाय टू एम्पलीट्यूड रहता है कहां से कहां तक, जीरो से लेके ये जीरो से लेके टीबी तक, यहां पे भी जीरो से लेके टीबी तक, जीरो से लेके टी मतलब इतने यहां इतने टाइम के लिए माइनस ए बाय टू रहता है, जब भी जीरो एपियर होगा तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस ए बाय टू, और जब भी प्लस एपियर होगा तो इसका एम्पलीट्यूड रहेगा प्लस ए बाय टू, कितने टाइम के लिए, टीबी टाइम के लिए, मतलब जीरो से लेके टीबी तक। तो इतना ही है पोलर एनआरजेड के बारे में, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट।